नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी भाइयों का स्वागत कर रहा हूं। और मैं लेकर आपके लिए आज एक लकड़ी कुतरने वाली मशीन है, जो कि आप अभी वर्तमान समय में देख रहे हो, ये कॉटन की लकड़ी कुतर रही है। और इस मशीन की कैपेसिटी है 4 इंच तक मोटी लकड़ी कुतरने की। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कॉटन की लकड़ियां हैं वो कुतरने के लिए मशीन बनाई गई है। बहुत ही शानदार है और ऑटोमेटिक ट्राली में लोड सिस्टम है। ये मशीन है वो राम एग्रो वर्कर्स की है। मॉडल 2019। इस मॉडल में दो तरह की मशीनें आती हैं। एक जो मशीन आती है वो कम कीमत की है, और दूसरी मशीन है वो थोड़ी ज़्यादा कीमत की है। जो कम कीमत की मशीन है वह सिंगल चक्कर की है, यानी कि उसमें एक ही व्हील है, इसलिए वह मशीन 1,40,000 रुपये की है। और दूसरी जो मशीन है वो डबल चक्कर में, यानी कि डबल व्हील में मशीन है, उसकी कीमत है 1,70,000 रुपये। अगर आप 4 इंच तक लकड़ी को उतरना चाहते हो तो आप यह मशीन ले सकते हो। डबल व्हील वाली लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे ट्रैक्टर आपका बारी बारी लोड नहीं लेगा। बहुत ही शानदार मशीन है और कार्य को बहुत ही फुर्ती के साथ करने वाली मशीन है। ऑटोमेटिक सिस्टम है और विद डबल गियर बॉक्स के साथ आपको ये मशीन मिल रही है। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में, मैं आपको इसकी सारी जानकारी अवेलेबल करवाता हूँ। और इसका जो एड्रेस है वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया, कीमत है वो भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दी। अभी मैं आपको मशीन दिखाता हूँ कि किस तरह से यह कार्य करेगी और क्या क्या इसमें पिक्चर्स हैं। तो वैसे तो जैसे कि आप ये देख रहे हो मशीन का, ये इसका हेड बोलते हैं इसको, अगर इसको अपने चेंज करेंगे तो यह अन्य कार्य में भी प्रयोग ले सकते हैं, जैसे पराली धान का भूसा कुतरने के लिए या बड़ी लकड़ी कुतरने के लिए आप इसको टोका चेंज कर सकते हो। और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपका एक इसमें गेयर बॉक्स एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जैसे कभी ये इसके गेयर बॉक्स के लगा हुआ है यहाँ, तो इसकी विशेषता भी आप देखें। ये देख रहे हो आप, यहाँ गाड़ी का गेयर लगा हुआ है और ये इसकी स्पीड निर्धारित की गई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और रिवर्स। यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है। इससे स्पीड निर्धारित का मुख्य कार्य है कि अगर 1 नंबर गियर में चलेगी तो ये धीरे धीरे अंदर लकड़ी को खींचेगा, और लकड़ी का आगे जो टुकड़ा हो रहा है वो बहुत ही छोटे साइज का होगा, यानी कि 0 साइज का। और अगर इसके स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो इससे क्या है कि धीरे धीरे लकड़ी की जो टुकड़ी हो रही है उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी और काम भी ये जल्दी करेगी। तो इस गियर बॉक्स का मुख्य काम यही है। तो राम एग्रो वर्कर्स की जो मशीनें हैं वो वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित हैं और बहुत ही शानदार मशीन है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ, ताकि आप अगर बनवाना चाहें तो यह मशीन इस तरह की बनवा सकते हो या खरीद सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने किस तरह की लकड़ियाँ उसकी कुतर की है। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, बहुत ही शानदार इसकी कुतर की है। और इसकी जो लकड़ियों की ये कुतर है वो ईंट भट्ठों में प्रयोग की जाती है ईंटें पकाने के लिए। और जो इजरायली बबूल है उसको भी ये आसानी से काट सकता है, और छोटे जो साधारण बबूल्स हैं या दूसरे पेड़ हैं उनको भी इस तरह से काट के छोटे छोटे बारीक कुतर कर सकता है। तो बहुत ही शानदार मशीन है। ऑटोमेटिक ट्रॉली में लोड सिस्टम है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो ट्रॉली में यह लोड हो रही है। और इस मशीन को चलाने के लिए अपने मजदूर हैं वो तकरीबन अपने को 5 से 7 मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मशीन चल रही है और खेत में से सीधी लकड़ियाँ उठा के मशीन में ला के लगाई जा रही है। तो इसमें अपने 5 या 6 मज़दूर फिलहाल लगे हुए हैं, तो 5 से 7 मज़दूरों की आपको आवश्यकता रहेगी। बहुत ही शानदार मशीन है और इसकी ब्लेड या टोके वो हैं इसमें लगे हुए, वो भी अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहोगे तो आपको सभी मार्केट में लगभग अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेंटेनेंस खर्चा है वो आपके नज़दीकी मार्केट में भी सारे स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे।
और जल्दी सी इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है क्योंकि मशीन बहुत ही सॉलिड है।